नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप लोग भी जनरल कास्ट से हैं और आप लोग भी अपना एक नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023 में बनवाना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी एक नया एडमिशन गवर्नमेंट जॉब और एंट्रेंस एग्जाम में आपको 10% की छूट मिल सके। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2023 में नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की क्या पात्रता है और कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कैंडिडेट यहां पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ ही में बताएंगे कि फॉर्म को फिल करने के बाद आपको किन किन अधिकारियों से इस फॉर्म को सत्यापित कराना है और कितने दिनों में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको इसकी पात्रता के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। पात्रता जानने के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त हो पाएगा। सो सबसे पहले नंबर पे हम आपको ये बताएंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की पात्रता यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट और ये पात्रता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अदर स्टेट का कुछ नियम और चेंज हो सकते हैं तो उसका हम कह नहीं सकते हैं, फिलहाल हम यूपी की डिटेल यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप लोग यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से समान वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही इस आवेदन को कर सकते हैं और आप लोगों को यहां पर 10% का आरक्षण प्राप्त मिलेगा। जैसा कि अगर आप लोग एक नया एडमिशन ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उन सब में आपको 10% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको इसकी पात्रता एवं शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। पहली शर्त दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप लोग भी यूपी में अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप लोग आसानी से अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो यहाँ पर केवल समान वर्ग यानी जनरल कास्ट के कैंडिडेट ही अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप लोग जनरल से अलावा ओबीसी एससी एसटी से हैं, इन कास्टों से हैं, तो आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आवेदक है उसके परिवार की जो साल की जो आय है सारे सदस्यों की मिलाकर 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप लोग ईडब्ल्यूएस के पात्र होंगे, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आपकी आय 8 लाख रुपए से ऊपर की है तो आप लोग ईडब्ल्यूएस बनवाने के पात्र नहीं होंगे। चौथे नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आवेदक करता है उनके परिवार में यहाँ पर 5 एकड़ यानी 8 बीघा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे अधिक कृषि भूमि है तो आप लोग भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए यहां पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग यहां पर और देखिएगा कि समान वर्ग के परिवार जो आवेदक कर रहे हैं उनका यहां पर 1000 वर्ग फीट से कम का आवासीय प्लाट होना नहीं चाहिए, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपका 1000 वर्ग से ऊपर का कोई प्लाट पड़ा हुआ है तो भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये बात भी आपको यहाँ पर जाननी है। पांचवें नंबर पर यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो परिवार शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनके पास 100 वर्ग यानी 100 गज से ज्यादा का आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग भी शहरी क्षेत्र के निवासी हैं और आपका भी मकान 100 गज से ऊपर का है तो भी आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग सातवें नंबर पे यहाँ पर देखिएगा, जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं जिनका मकान गांव में है उनके पास यहाँ पर 200 गज से ज्यादा का
आवास नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और आपका भी 200 गज से ज़्यादा का मकान है, तो आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो भी सालाना आय है, जो भी आपके सदस्य है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके माता पिता, पति पत्नी, अविवाहित बच्चों, उन सारे बच्चों की मिलाकर जो भी आपकी साल की आय होगी वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी भी सारे सदस्यों की आय मिलाने के बाद 8 लाख रुपए से ऊपर बैठ रही है, तो आप भी आप लोग EWS के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये थी कुछ शर्तें EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। अब काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके पास यहाँ पर उनकी 8 लाख रुपए से कम आए हैं और उनके पास इतनी ज़मीन भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके दादा दादी के नाम इतनी ज़मीन हो सकती है, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि आपकी जो भी फैमिली रहेगी उस फैमिली में यहाँ पर 8 बीघे से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब फैमिली में यहाँ पर दादा दादी सारे कैंडिडेट आते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास एक पहचान पत्र ID होना अनिवार्य है। जैसा कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आधार कार्ड जो कैंडिडेट आवेदक कर रहा है, जिसके नाम EWS सर्टिफिकेट बनके आएगा, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही में उसके गार्जियन का आधार कार्ड होना चाहिए। जिस गार्जियन का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा उसका भी यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका आधार कार्ड बन नहीं पाता है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से भी अपना EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोग भी इनकम टैक्स या फिर टैक्स पेयर है या फिर आपका TDS कटता है, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपको पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर तीसरे नंबर पर समझिएगा आय प्रमाण पत्र के बारे में। आय प्रमाण पत्र जो भी आवेदक कर रहा है, यानी जो भी फैमिली का मेंबर कर रहा है जिसके लिए EWS चाहिए, उसके गार्जियंस का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। 8 लाख रुपए से ज्यादा का आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, इससे कम वाले सारे कैंडिडेट के EWS के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी फैमिली BPL में आती है और आपके पास भी BPL का राशन कार्ड है, तो आप लोग BPL का राशन कार्ड लगा सकते हैं, आपका EWS बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसकी जो इनकम है अकाउंट में आ रही है, या फिर गवर्नमेंट जॉब है, या फिर पेंशन है, या फिर उनका ऐसा बिजनेस है जिसकी जो इनकम है वो बैंक में आती है, या फिर 8 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है, तो ऐसे में दोस्तों आपको यहां पर अपना बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और ये बैंक का स्टेटमेंट आपको 3 महीने का देना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है और आपकी भी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसे पेंशन मिल रही हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको यहां पर बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। एक आपको यहाँ पर 100 प्रमाणित शपथ पत्र देना पड़ेगा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। वो आपको शपथ पत्र कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो आपको आगे बताएंगे, ये सारे कैंडिडेट को देना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मूल निवास यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस आपका ठीक है तो आपको मूल निवास देने की जरूरत नहीं है, और यदि आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज है या फिर आप लोग किसी दूसरी जगह रहते थे और आपका इस समय आप वहां पर रहने लगे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को यहां पर निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यदि आपका एड्रेस आधार में बिल्कुल ठीक है तो आपको मूल निवास देने की जरूरत नहीं है।
यदि दोस्तों आपके पास जमीन है यानी कृषि भूमि है और या फिर आपने अभी हाल ही में खरीदी है, तो ऐसे में आपको अपनी जमीन के दस्तावेज देने पड़ेंगे। जैसा कि आपको अपनी खतौनी की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो हमारी जमीन है वो ऊपर की जो हमने शर्तें बताई थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5 हेक्टेयर या फिर 8 बीघा से ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अपनी खतौनी देनी पड़ेगी यदि आपके पास कृषि भूमि है तो, अन्यथा आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग कहीं एम्प्लॉयर हैं तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अन्यथा आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर और साथ ही में जो आवेदक कर रहा है उसके यहाँ पर 4 फोटो यहाँ पर लगेंगे। तो फाइनली आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे हैं तो आप लोग भी EWS के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा कि अगर आप लोग भी नॉर्मल फैमिली से हैं, जैसा कि आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है और आपके पास कृषि भूमि नहीं है, तो दोस्तों आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए और केवल आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, केवल 2 ID ये हैं तो भी आप लोग EWS के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2023 में EWS के लिए आवेदन करने के लिए आपको ये वाला फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म 6 पेज में है और इस फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है और इस फॉर्म को कहाँ पर जाके सबमिट करना है। आप लोगों को बता दें उत्तर प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट ऑफलाइन बन रहा है, ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल यहाँ पर ऑफलाइन प्रतिक्रिया में ही चल रहा है, बाकी कुछ स्टेटों में यहाँ पर ऑनलाइन भी होने लगे हैं, फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन है यहाँ। तो ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और सबसे पहले आपको इन 6 पेज का प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ पर आपको 5 पेज देखने को मिलेंगे और 6ठे नंबर पे आपको एक एफिडेविट देखने को मिल रहा है जो कि आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इसका प्रिंट आउट निकलवाना है और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद किसी भी नोटरी वकील के पास जाके नोटरी करा लेनी है और वो ही वकील आपका ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपका फिल कर देगा। तो इसे फिल करने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे भी इसमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन फिल की जाएंगी, जैसा कि आपका नाम, पिता का नाम, आपका निवासी और यहाँ पर आपकी जो इनकम बारे में है, भूमि के बारे में, इसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये आपके जो भी नोटरी वकील है वो आपके फिल कर देंगे, तो आपको इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सबसे ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदन प्रमाण पत्र, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो लगाना है, आवेदक का नाम लिखना है, उनके पिता या फिर पति का नाम लिखना, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और फुल्ली एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, आपकी जाति क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। इसके बाद दोस्तों आपके फैमिली मेंबर में जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्यों की यहाँ पर आपको अपने नाम लिखने हैं, जैसा कि पहला नंबर यहाँ पर आप अपनी माता जी का नाम लिखेंगे, उनका लिंक लिखेंगे, आयु लिखेंगे, आवेदक का आपसे क्या संबंध है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, इस हिसाब से आप अपनी फादर की, मदर की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर लिखते रहेंगे और ये सारी डिटेल को फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप लोग सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आवेदक के सदस्य के जो भी सारे जो आपने ऊपर फॉर्म में फिल करे हैं उन सारे कैंडिडेट की आय मिलाकर यहाँ पर टोटल कितनी हो रही है वो आपको अपनी आय लिखनी है। साथ ही में ये लिखना है कि ये जो आय है वो आप लोगों को किस हिसाब से मिल रही है, जैसा कि वेतन से मिल रही है, कृषि भूमि है, व्यापार है या फिर व्यवसाय है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास कृषि भूमि है, अगर आपके पास कृषि भूमि है तो आपको खतौनी की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी और आपको यहाँ पर जहाँ भी आपकी कृषि भूमि है उस गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, घाटा संख्या यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवेदक एवं उसके परिवार के पास आवासीय मकान यानी कितने गज में आपका खुद का मकान है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवेदक कि अधिकतम नगर निगम में यहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत में अगर आपके पास कोई क्षेत्रफल यानी कोई प्लाट वगैरह है तो उसकी भी आप
आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिक सूचित क्षेत्र में जैसा कि आवेदक एवं उसके परिवार के पास कोई अधिक भूमि या फिर कोई प्लाट है तो आपको उसकी भी यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है गैर अधिसूचित क्षेत्र में आवेदक के पास कोई प्लाट या फिर मकान है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक घोषणा पत्र भरना है और यहाँ पर आवेदक के सिग्नेचर, उनका नाम, स्थान और दिनांक, ये सारी डिटेल फिलअप करनी है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा और इस फॉर्म में आपको इससे आगे कुछ नहीं भरना है। इसके आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि आपके लेखपाल का ये प्रारूप है, ये आपके लेखपाल ही यहाँ पे फिलअप करेंगे, इसे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको ये वाला फॉर्म को फिल करने के बाद आपके जो भी एरिया के लेखपाल हैं उनके पास जाना है और उनसे कहना है कि सर हमें EWS सर्टिफिकेट बनवाना है। उनने उनके पास जाके आपको ये वाला फॉर्म को दे देना है और वो आपका जो भी रिपोर्ट होंगे वो यहाँ पर लगा देंगे और आपका आगे फॉरवर्ड कर देंगे इस फॉर्म को तहसीलदार के पास। और तहसीलदार के पास आपका ये EWS सर्टिफिकेट का फॉर्म जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे। आपके पास दो सेम तरह के यहाँ पर EWS के फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं, एक आपका तहसील में रहेगा और दूसरा आपको रिसीव हो जाएगा EWS सर्टिफिकेट बनने के बाद। और ये EWS सर्टिफिकेट आप अपने लेखपाल से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को बता दें EWS सर्टिफिकेट बनवाने का गवर्नमेंट फीस यहाँ पर एक भी रुपए नहीं है। बाकी हो सकता है आपसे रुपए ले लिए जाए तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग भी ये PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस PDF का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके ये PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों 2023 में EWS सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से ही आप लोग आवेदन करा सकते हैं और आपको भी 7 से 10 दिन में EWS सर्टिफिकेट अपने लेखपाल से प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार से EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर आपके मन में फिर भी EWS से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप लोग 100% पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे 100% रिप्लाई देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो लोग भी अपना EWS सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।